एंड वेज इज एट रेस्ट, ये क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली वेज क्या है, रेस्ट में है, और ब्लॉग नीचे आ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट आता है और थोड़ा सा फील नहीं आता है, ठीक है। तो अगर ये ब्लॉग कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ये ब्लॉग आ रहा है किसी भी इंस्टेंट, अगर इस ब्लॉग को देखोगे ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन है ब्लॉग का, तो अगर इस पे इस ब्लॉग पे देखोगे तो फोर्स देखोगे तो सबसे पहले ये वेज एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा और एक mg नीचे लगेगा, तो ये दो फोर्स लग रहे हैं। और मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे लिया हूँ, ये अलोंग द प्लेन एक्स एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू प्लेन मेरा y एक्सिस है। तो इधर इस लाइन में मेरा x एक्सिस ले लिया हूँ और ये वर्टिकल वाली लाइन है और ये इंक्लिनेशन, दिस इंक्लिनेशन थीटा है। तो अगर ये इंक्लिनेशन थीटा है तो अगर ये देखोगे तो ये 90 हो गया परपेंडिकुलर और ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। तो mg का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, जो होगा mg का एक कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस जाएगा। तो ये वाली जो कंपोनेंट है mg की, दैट इज mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा जो होगा mg sin थीटा। तो अब mg cos थीटा नॉर्मल को बैलेंस कर लेगा, भाई वर्टिकल में तो मोशन हो नहीं रहा, तो mg cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मल एंड mg sin थीटा विल प्रोवाइड एक्सलेशन डाउनवर्ड, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ इज इक्वल टू ma से, यही तो नेट फोर्स है mg sin थीटा जो इसको वर्टिकली एक्सेलरेट करा रहा है। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी g sin थीटा। तो रिमेंबर दिस रिजल्ट इज वेरी यूजफुल एंड दिस इज द कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, ठीक है। ये एक्सेलेरेशन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट है। वेक्टर फॉर्म में अगर देखोगे तो इस एक्सेलेरेशन को एक्सेलेरेशन वेक्टर a इज इक्वल टू g sin थीटा और पॉजिटिव i कैप जिधर x एक्सिस लिए, तो ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है इंक्लाइंड प्लेन पे, स्मूथ सरफेस पे। हमेशा याद रख लो, दैट इज हमें डिस्प्लेसमेंट, इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगा, कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, वी अप्लाइड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी अप्लाइड इक्वेशन ऑफ मोशन। कहीं भी अगर फिजिक्स में एक्सेलेरेशन